रामायण का ये आइकॉनिक सीन तो आपको याद होगा ही, जहाँ पर श्री राम पहली बार हनुमान जी से मिले थे। कौन हो तुम? मैं राम, अयोध्या का राजकुमार, और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। कौन हो तुम? मैं हूँ हनुमान। ये सुंदर और हिस्टोरिक प्लेस, जिसे पहले किष्किंधा के नाम से जाना जाता था, एंड नाउ इट इज रीनेम एज हम्पी, और यही है अंजनियारी पर्वत, द बर्थ प्लेस ऑफ हनुमाना। आज हम आपको हनुमान जी के जन्म स्थान अंजनियारी पर्वत लेके जाएंगे और इस सुंदर मंदिर के अद्भुत दर्शन करेंगे। जब हम हम्पी का ट्रिप प्लान कर रहे थे तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड हम अंजनियारी पर्वत विजिट करने के लिए थे। हमने अर्ली मॉर्निंग से ही हम्पी के स्टोन चायर को एक्सप्लोर किया और सीधा निकल गए हमारे प्यारे हनुमान जी से मिलने। हम्पी से अंजनियारी पर्वत पहुंचने के लिए तुंगभद्रा रिवर को क्रॉस करना पड़ता है, इसलिए हमने इस बोट को हायर किया जिसने हमें 30 रुपीज पर पर्सन में ऑपोजिट साइड पे ड्रॉप कर दिया, और फिर यहाँ से रिक्शा लेके हम पहुँच गए अंजनियारी पर्वत। हम सैटरडे को गए थे और यहाँ ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे कोई मेला ही लगा हो। हर जगह भगवा रंग और जय श्री राम की आवाज थी। दूर दूर से लोग आए हुए थे हनुमान जी को देखकर उनके दर्शन लेने के लिए। मंदिर जाने से पहले यहाँ पर हमने अपने हाथ पैर धोए और श्री राम का नाम लेकर 575 स्टेप की चढ़ाई शुरू की। ये स्टेप की चढ़ाई करते हुए हमें बचपन में सुनी वही हनुमान जी की कहानी याद आ रही थी, जहाँ पर उन्होंने सूरज भगवान को आम समझ के खा लिया था। कितनी सारी कहानी होगी ना हनुमान जी की बचपन की, यहाँ पर ये सोच के और श्री राम का नाम लेते हुए हम चढ़ाई कर रहे थे। बीच बीच में जब थकावट हो रही थी तो मंदिर के सीटिंग अरेंजमेंट का भी हमने भरपूर लाभ उठाया। यहाँ पर कोई टेबल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपको पूरी चढ़ाई खुद करनी पड़ती है। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जा रहे थे, इस सुंदर व्यू के साथ बड़े बड़े बोल्डर्स को भी हम क्रॉस कर रहे थे झुक के। जैसे जैसे 575 स्टेप कंप्लीट हो रहे थे, ऊपर जाने का रास्ता एकदम छोटा होते जा रहा था, और जब हम इस पर्वत के टॉप पे पहुंचे तो हमें सच्ची में एक अद्भुत शक्ति का एहसास हुआ। बहुत ही ब्लेस मानते हैं कि हमें इतने सुंदर और रामायण से जुड़ी हुई मंदिर में आके हनुमान जी और उनकी माता अंजनियाद्री देवी का दर्शन लेने का सौभाग्य मिला। दर्शन लेके हम मंदिर के बाहर थोड़ी देर बैठे और हम्पी के 360 व्यू को एंजॉय किया। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा और घर बैठे हनुमान जी के जन्म स्थान के आपको सुंदर दर्शन मिले होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सून टू एवरीवेयर।